बोल स्काई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे वर्जिनिटी खोने की सही उम्र क्या होती है, यानी कब करें सेक्स। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि सेक्स करने की सही उम्र क्या होती है। यौवन अवस्था के दौरान लड़की का विकास पूरी तरह नहीं होता है। 15 वर्ष की आयु तक आते आते वो वयस्क होने की ओर अग्रसर हो जाती है, लेकिन ऐसे में समझ नहीं आता कि पहली बार संबंध बनाने की सही उम्र क्या होती है। क्या वयस्क होने की शुरुआत में ही शारीरिक संबंध बनाना सबसे उचित होता है, या फिर वयस्क हो जाने के बाद ठीक रहता है। आपको बता दें कि पहली बार संभोग करना काफी दर्दनाक होता है, ऐसे में किशोर अवस्था में इसे करना सही नहीं होता। लेकिन आजकल टीनेज लड़के और लड़कियां सेक्स करने को फैशन मानते हैं और वो इसे एडवांस होने की निशानी मानते हैं। लेकिन इन सब में वो भूल जाते हैं कि ऐसा करने से पहले वो अपने आप को कितना मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करते हैं, क्योंकि संभोग दो लोगों के बीच की शारीरिक भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उससे उनके बीच संबंध बढ़ाने के लिए होता है। सेक्स करने की सही उम्र क्या है? सेक्स करने के बारे में मनोवैज्ञानिक से परामर्श करना सही रहता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सेक्स करने के लिए सही उम्र वो होती है जब आपकी सोच समझदार हो जाती है और आप सेक्स को महत्व देते हैं। पहली बार सेक्स करने का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स करना नहीं होता है, बल्कि भावनाओं, विचारों, संवेदनाओं और विश्वास आदि को समझना भी होता है, जिसकी वजह से आप अगले से जुड़े रहते हैं। हाल ही में एक सर्वे में पता चला है कि पुरुष और महिला दोनों में पुरुषों को इसकी चाह ज्यादा होती है, जबकि महिलाएं 25 वर्ष की उम्र तक इसका इंतजार कर सकती हैं। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि अमूमन 16-17 वर्ष की आयु में लड़कियां अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। पहली बार सेक्स करने के बाद कई लोगों ने इस बात को माना है कि उन्होंने पहली बार संबंध नशे में या जिज्ञासावश बनाया था। उन्होंने कोई इमोशन को देखकर ये नहीं किया, या फिर उनको उम्र के प्रभाव में आकर ऐसा करना पड़ा। रिश्ते के विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग जीवन की कम उम्र में ही रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं, उनका जीवन काफी अस्थायी हो जाता है। इससे कैंसर, प्रेगनेंसी, गर्भपात आदि का खतरा भी बढ़ जाता है, साथ ही लोगों में निद्रा को लेकर समस्याएं भी होने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता खतरनाक होती है। इससे युवा लोगों को जोखिम व्यवहार पनप सकता है और वो आक्रामक हो सकते हैं। महिलाओं में समय से पूर्व संबंध बनाने में उनमें प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें निरोधकों को लेकर समझ नहीं होती है। यहां तक कि कई लड़कियों को ऐसा होने के बाद इतना धक्का लगता है कि वो हमेशा संबंध बनाने से भागती रहती हैं। पुरुषों के लिए अलग चीज है। अगर पुरुष पहली बार संबंध बनाने के दौरान सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनमें डर बैठ जाता है और वो आगे भी डरते रहते हैं। लेकिन अगर वो सफल हो जाते हैं तो उनमें लत लग जाती है और वो वुमेनाइजर हो जाते हैं। कम उम्र में संबंध बनाने से कई बार लोग बहक जाते हैं और उनका पार्टनर इसका फायदा उठा लेता है, उनकी तस्वीर या वीडियो बना लेते हैं, जिससे कि वो बाद में उन्हें परेशान करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार लोगों को गिल्ट होता है। अगर आप सेक्स विशेषज्ञ की माने तो 25 साल की आयु के बाद सेक्स करना सबसे सुरक्षित और सही रहता है। उस उम्र तक व्यक्ति की समझ परिपक्व हो जाती है और वो इसका सही अर्थ भी समझ लेता है। तो अब अगर आप इस उम्र में हैं या फिर अभी इस उम्र से दूर हैं, तो इस वीडियो को देखकर अपनी उम्र के हिसाब से ही सेक्स करें। बोल स्काई में फिलहाल इतना ही।